तो सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए जानकारी लेकर आया हूं आई ड्रॉप के बारे में। और ये आई ड्रॉप कोई ऐसी वैसी साधारण आई ड्रॉप नहीं है, ये आई ड्रॉप आपके आँखों के लिए वरदान है, वरदान। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, जब आप इस आई ड्रॉप को लेकर के आओगे और अपने आँखों में डालना शुरू करोगे, तब आप मुझे खुद कमेंट करोगे कि सर आपने क्या आई ड्रॉप बताई है और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी आई ड्रॉप के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अगर हमें दुनिया देखनी है तो उसके लिए ज़रूरी है हमारी आँखें, और हमारी आँखें जब स्वस्थ होंगी तभी हमारी आँखें बुढ़ापे तक चल पाएंगी। आज के समय में देखा जाए तो भागदौड़ भरी लाइफ में, आज के समय में बहुत से लोगों की 40 के उम्र में ही, या कह लें 30 के उम्र में ही आँखें खराब हो जाती हैं, या तो उनके आँखों में कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है जिससे उन्हें दिखना कम हो जाता है, या उन्हें चश्मा तो आजकल तो बच्चों के भी लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके चश्मा ना लगे, या आपके चश्मा लगा हुआ है तो उसका नंबर कम हो जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके आँखों में और भी कई तरह की बीमारियाँ हैं तो उससे छुटकारा पाने के लिए आप आज के इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊँगा कि आखिर ये आई ड्रॉप का नाम क्या है, ये मार्केट में तुम्हें कितने रुपए की मिलती है, इसमें तुम्हें क्या इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं, सब कुछ बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो चलो वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों, इस आई ड्रॉप का नाम है नयन ज्योति। आप में से कई सारे लोग हो सकते हैं, ऐसे भी हों जिन्होंने इस आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर रखा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, अगर आप नए हैं और आपने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करके देखें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस आई ड्रॉप का नाम है नयन ज्योति, ये इसका नया नाम है। इस आई ड्रॉप का पुराना नाम है पुना ज्योत, यानी जब आप इसे मेडिकल स्टोर पर ले जाओगे तो वहाँ पर अगर आपको नयन ज्योति के नाम से नहीं मिल पा रही है तो आप पुना ज्योत बोल करके भी इस आई ड्रॉप को ले सकते हो, और ये हर तरह के मेडिकल स्टोर में आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी पैकिंग की तो ये छोटी सी डिब्बी में आती है, वाइट कलर की इसकी डिब्बी होती है, और इसका जो कैप होता है बहुत ही यूनिक कलर का होता है, यानी ग्रीन कलर का होता है, और कुछ इस तरह की इसकी बॉटल दिखाई देती है। बात करें अगर इसमें क्वांटिटी की तो 24 ml इसमें आपको ये आई ड्रॉप मिलता है, और मात्र 45 रुपये में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके। अब अगर हम बात करें इसमें मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स की, तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी आपको इंग्रेडिएंट मिलते हैं बिल्कुल नेचुरल हैं, यानी इस आई ड्रॉप में किसी भी तरह का केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, उसमें आपको पुनर्नवा मिल जाता है, ढाक मिलता है, गुलाब मिलता है, रसोट मिलता है, ग्वारपाथ मिलता है, और ये बहेड़ा मिल जाता है, नींबू और आंवला। तो ये सभी जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स आपको मिल रहे हैं बिल्कुल नेचुरल होते हैं, और कितने कितने ml में हैं यहाँ पर सब दे रखा है, ठीक है। जब आप इनको एक साथ जोड़ लोगे तो ये 24 ml हो जाएगा, और ये पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आपकी आँखों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है ये। चलो फटाफट से हम ये जान लेते हैं कि इस आई ड्रॉप को जब आप अपने आँखों में डालना शुरू करते हैं तो इससे आपके क्या क्या आपको फ़ायदे मिलते हैं। तो दोस्तों, जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके आँखों से जाला, माड़ा, फुल्ली, नाखूना, धुंधलापन दिखना जैसी समस्याओं को दूर करने का काम करती है। इसके अलावा नासूर है या किसी तरह का इन्फेक्शन वगैरह हो गया, लालीपन रहती है आँखों में तो उसको भी ख़त्म करती है, खुजली अगर होती है तो उसमें भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा चेचक की छींट, रात में कम दिखाई देना, बहुत से ऐसे हमारे बुज़ुर्ग लोग होते हैं जिनको रात होते ही कम दिखाई देने लगता है, तो ऐसी अगर दिक्कत है तो उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। चकाचौंध के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है ये। मोतियाबिंद के लिए तो बहुत ही जानी मानी है दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई बुज़ुर्ग है जिसको मोतियाबिंद की शिकायत है तो उसके आँखों में आप ये ज़रूर डालें, ये मोतियाबिंद को बहुत हद तक के ख़त्म करने का काम करती है। इसके अलावा आपकी अगर दूर या पास की रोशनी कम हो गई है तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है।
जिन लोगों को संबल बाई रोग हो जाता है उसमें बहुत ही फ़ायदा पहुंचाती है। इसके अलावा आँखों से पानी बहता है, जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके आँखों से बेवजह पानी बहा करता है, तो ऐसे में भी आप इस नयन ज्योति का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बहुत ही ज़बरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा कीचड़ बहुत आता है आँखों से, ठीक है, यानी कि कीचड़ आँखों से आना नॉर्मल है लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आ रहा है तो भी ये दिक्कत का मतलब कारण बनता है, तो ऐसे में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा आँखों की मांसपेशियों को ये मतलब कि थकान उनकी दूर करती है और आपकी आँखों को रिलैक्स यानी कि आराम दिलाती है, ठीक है। इसके अलावा जिन लोगों को चश्मा लगा हुआ है उनके नंबर को घटाने का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में बच्चों तक के छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उन तक के आँखों में चश्मे लग जाते हैं, ठीक है, तो उनका चश्मा जो है धीरे धीरे करके नंबर बढ़ता जाता है, तो ऐसे में अगर उनके चश्मे का नंबर आपको घटाना है या आप चाह रहे हैं कि उनका जो चश्मा है उसका नंबर ज़्यादा ना बढ़े, तो ऐसे में इस नयन ज्योति का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसका किसी भी तरह का दुष्प्रभाव नहीं होता, यानी किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी इंग्रीडियंट मिलते हैं वो बिल्कुल नेचुरल होते हैं और इसमें किसी तरह का केमिकल वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो बिल्कुल नेचुरल होती है, इससे किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अब बात कर लिया जाए कि इसे आपको अपने आँखों में डालना कैसे है, तो दोस्तों इसका इस्तेमाल आपको दिन में 3 से 4 बार करना होता है, एक एक बूंद आपको अपने आँखों में डालनी होती है, ठीक है। यानी अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, यानी आपको अगर चश्मे का नंबर कम करना है या आँखों की रोशनी ठीक रखनी है या अपने आँखों को स्वस्थ बनाए रखना है, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से 4 बार आपको दिन में इसको डालना होगा। एक एक बूंद आप डाल सकते हैं या 2-2 बूंद भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही फायदेमंद होती है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जब आप इसको अपने आँखों में डालते हैं तो इससे तेज जलन आपको तुरंत महसूस हो सकती है, ऐसा सबके साथ होता है, आपको बिल्कुल भी घबराने या डरने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए रहता है फिर उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ इसके प्रिकॉशंस हैं यानी सावधानियां हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें पहली सावधानी तो ये रखनी है कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा 18 साल से कम उम्र का जो बच्चा है उसके आँख में आपको ये आई ड्रॉप नहीं डालनी है, ठीक है, यानी एडल्ट्स के लिए है। और अगर आप डालना भी चाहते हैं तो आप अपने पहले डॉक्टर से एक बार सलाह ले लें उसके बाद ही डालें, वरना मैं तो आपको एडवाइस दूंगा कि इसका प्रयोग आप बच्चों में ना करें, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी आंखों की सर्जरी हो रखी है, आपने आंखें बनवाई हैं, तो उसमें भी इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर मान लीजिए आप कोई दूसरी आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ आपको इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये थी इसकी जानकारी जो मैंने आपको यहाँ पर दे दी। अगर आपको किसी भी तरह का सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।